नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत, मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से देश ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया, वो दुख जो आज हर भारतवासी की आवाज में है, आंखों में है। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली लाए जा रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। आज शाम लगभग 7 और 8 बजे के बीच कहा यह जा रहा है कि उस समय विशेष विमान से जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिडर कर्नल हरजिंदर सिंह समेत जितने अधिकारियों के शव राजधानी दिल्ली लाए जाने हैं वो पार्थिव शरीर आज शाम राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की टुकड़ियां पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंचेंगी श्रद्धांजलि देने के लिए, सेना के सर्वोच्च मिलिट्री कमांडर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जानकारी क्या मिल पा रही है समय? बिल्कुल गौरव, तीनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में मौजूद है यहां पर पहुंचेंगी। जानकारी ये मिल रही है कि यहां करीब 7 और 8 बजे के आसपास जो विशेष विमान है वो तमिलनाडु से दिल्ली एयरपोर्ट, जो टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहां पर पहुंचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी लोग हैं, सभी जो लोग उसमें मारे गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन सारे लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचेंगे, NSA अजीत डोवाल भी आएंगे, तो सभी लोग यहाँ पर आकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की जानकारी यहाँ से मिल रही है टेक्निकल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है यहाँ पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त जनरल बिपिन रावत को लेकर के एक गमगीन माहौल है गौरव, क्योंकि जिस तरीके के का व्यक्तित्व उनका था, जब वो लोगों के बीच में जाते थे तो एक सौम्य तरीके से बातचीत करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दुश्मन देश उनके सामने खड़ा होता था और किसी भी तरीके की कार्रवाई करता था तो उसको डट करके वैसे ही उसको जवाब देते थे। तो इस बात को लेकर के देश के लोग लगातार याद कर रहे हैं और लगातार चर्चाएँ कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी जगहों पर इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन आज का जो यहाँ का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी है सदन में, उन्होंने बताया है कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर पार्थिव शरीर लाए जाएंगे। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। इसके साथ ही जो 11 और लोग हैं उन सभी लोगों का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट टेक्निकल एरिया जो दिल्ली का है यहाँ पर पहुँचेगा। उसके बाद श्रद्धांजलि जो सीनियर मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोवाल और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे, सभी लोग यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरीके की तैयारी एयरपोर्ट पर की जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद मीडिया की भी एंट्री एयरपोर्ट के अंदर है, पालम जो टेक्निकल एरिया है उसके अंदर जाने की संभावना 7 बजे के आसपास बताई जा रही है, और वहाँ से सीधे लाइव तस्वीरें मिल सकेंगी कि देश के वीर सपूत जिस तरीके से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनको लेकर के देश उनके साथ खड़ा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो लोग मौजूद रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सैन्य सम्मान पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर दिया जाएगा। हमारे साथ प्रमोद माधव भी हैं जो कि हादसे वाली जगह इस समय मौजूद हैं। लगभग 4 बजे का समय दिया गया था कि वहां से पार्थिव शरीर के साथ विमान रवाना होगा, मुमकिन है 4-4:30 बजे तक वहां से रवानगी हो जाए, और इसीलिए लगभग 6:30-7 बजे का समय बताया जा रहा है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने का। प्रमोद माधव, समझना चाहते हैं आपसे, आपके पीछे वाकई हम